खबर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आठ बिजनेस कॉरिडोर को मंजूरी, चल रहा इस पर काम। पूर्व उत्तर प्रदेश के आर्थिक ऋण साबित होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सीएम बोले 16 दिसंबर को पीएम करेंगे शुभारंभ, होगा एयर शो। बुंदेलखंड एक्सप्रेस अगले माह होगा पूरा, विकास और रोजगार दिशा में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने विधायक देवमणि द्विवेदी, सूर्यभान सिंह, सीताराम वर्मा और राजेश गौतम के साथ लिया तैयारियों का जायजा। ये भैया का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भैया वो कैमरा होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से क्यों हिला रहे यार, बेहुदा घंटा क्यों कर रहे हो? अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप उसमें यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बन करके पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे का बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे हो रही है। अब यूपी जाना जाएगा। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के देश से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहां पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस दिन से ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। आज इसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में विकास रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 16 नवम्बर को आप सभी लोग इस कार्यक्रम में। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।